दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन को रिमोटली ट्रैक करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप कहीं पर भी बैठे टारगेट डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, रिमोटली मॉनिटर कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। तो ये है फोनटी की मोबाइल फोन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो चलिए करते हैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं BCD Tech YouTube चैनल को। अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यह है दोस्तों फोनटी की वेबसाइट। इसमें आप देख सकते हो ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिमोटली ट्रैक भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए कंपेटेबल है, मतलब कि दोनों पर चल जाएगा। और यहाँ पर आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हो। ये व्हाट्सएप, फेसबुक और वाइबर तीनों पर नज़र रखता है, साथ में कॉल को भी मॉनिटर करता है, लोकेशन को भी देखता है और साथ में फोटोज और वीडियोस दोनों को भी मॉनिटर करता है, ईमेल को भी मॉनिटर करता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी देख सकता है। तो अगर आप अपने बच्चों पर नज़र रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बढ़िया ऐप है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल। तो सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को परचेज करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसमें से कौन सा फीचर चाहते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से इसको परचेज कर लीजिए। और जैसे आप इस एप्लीकेशन को परचेज करोगे तो आपको एक ईमेल मिलेगी जिसमें यूजर नेम पासवर्ड होगा और साथ में कंट्रोल पैनल का लिंक होगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल पैनल का लिंक खोल दिया है और ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है। तो जो गिवन पासवर्ड है और आईडी है उससे लॉगिन कर लेते हैं। और उसके बाद आपको चूज़ करने को मिलेगा कि आप एंड्रॉयड और iOS में चूज़ कर सकते हो डिवाइस को। और इसके बाद आपको स्टेप्स मिलेंगे कि कैसे आपको एप्लीकेशन पार्ट को डाउनलोड करना है, मतलब कि टारगेटेड डिवाइस में एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये वाला एड्रेस नोट कर लीजिए। तो टारगेट डिवाइस में आपको इस एड्रेस को ओपन करना है और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद उसको ओपन कर लीजिए। और अगर आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे कि एंड्रॉयड में अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होती है, तो यहाँ पर जो परमिशन है उसको दे दीजिए और जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको एप्लीकेशन ड्रॉप में एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो आपको उसको ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर टैप कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि छोटे बच्चे हैं कि वो क्या कर रहे हैं अपने फ़ोन पर, अगर उसको आप मॉनिटर करना चाहते हो तो आप इस पर सिलेक्ट कर लीजिए। एम्प्लॉइज़ को करना चाहते हो या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप आइकन को हाइड या अनहाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर टैप कर दीजिए। जैसे कि समय मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो मैं ऑन कर देता हूँ, आप कंटिन्यू कर लेते हैं। और उसके बाद ये परमिशन पूछेगा एडमिन के लिए, तो यहाँ पर मैं डिवाइस एडमिन को ऑन कर देता हूँ। और अब ये मुझसे एक्टिवेशन कोड के लिए पूछेगा। एक्टिवेशन कोड दोस्तों आपको मिलेगा नेक्स्ट स्क्रीन में। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन में आपको मिलेगा एक्टिवेशन कोड, तो आप इस एक्टिवेशन कोड को कॉपी कर लीजिए और जो एप्लीकेशन सेटअप है उस पर इस एक्टिवेशन कोड को पेस्ट कर लीजिए और उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और देख सकते हो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप दोबारा से इस एप्लीकेशन को खोलने की कोशिश करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि एप्लीकेशन आइकन को हाइड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप यस पर टैप कर दोगे तो जो एप्लीकेशन आइकन है वो हाइड हो जाएगा। और फाइनली आपको सेटिंग में जाना है और इंस्टॉल ऐप्स में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हो। अपना जो भी एप्लीकेशन मैनेजर है आप उसमें चले जाइए, उसके बाद कॉम एंड्रॉयड डिवाइस लॉग में जाइए, उसको ओपन कीजिए और इसमें एप्लीकेशन परमिशन में जाइए, कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, SMS, स्टोरेज, टेलीफोन, इन सभी की परमिशन आप दे दीजिए। तो अब आपका टारगेट डिवाइस रेडी है, मतलब कि अब ये रिमोटली कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए आप किसी और फ़ोन की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पर आप अपने PC, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। करना क्या है, आपको कंट्रोल पैनल को लॉगिन करना है। तो आपको ईमेल में कंट्रोल पैनल का लिंक मिल गया होगा, नहीं तो आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हो। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लीजिए। और जैसे अब आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप की होम स्क्रीन। तो इसमें दोस्तों देख सकते हो कि जो डिवाइस है वो रजिस्टर हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसमें अब डिवाइस पर आपको बता रहा है करके कि इस समय आपने शायद ये परमिशन नहीं दी है, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस समय आप मैनेज डिवाइस पर सेट करके डिवाइस इन्फॉर्मेशन
देख सकते हो करंट बैटरी परसेंटेज, कैरियर जो भी है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आप लॉगिन सेटिंग में जाके कॉल हिस्ट्री, सराउंडिंग, एप्लीकेशन जिसको आप ऑन करना चाहते हो उसको ऑन कर सकते हो। जैसे कि सराउंडिंग रिकॉर्डिंग को मैं ऑन करना चाहता हूँ, तो ये अभी ऑन हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद अपलोड सेटिंग, तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ अपलोड बाई वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क इनमें स्विच कर सकता हूँ, ऐसे वीडियोस के लिए भी। तो यहाँ पर मैं वाईफाई कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ वेबसाइट ब्लॉक हो या फिर कुछ एसएमएस में कुछ इस टाइप का वर्ड अगर आ जाए तो उसको ब्लॉक करना है, तो ये भी दोस्तों मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। तो फीचर्स दोस्तों बहुत सारे हैं इस एप्लीकेशन में, तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो, क्या आपको लॉक करना है उसमें सेट कर सकते हो, साथ में फ़ोन की कितनी बैटरी है, किस कैरियर के साथ कनेक्टेड है, आप सब कुछ यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टारगेट डिवाइस पर एक कॉल कर रहा हूँ, आइए कॉल को उठा लेते हैं। तो इस समय कॉल चल रही है और लगभग 5 या 6 सेकंड के बाद मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आइए अब कंट्रोल पैनल के थ्रू एसेस करते हैं। तो कंट्रोल पैनल को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा डाटा आ चुका है, मतलब कि इस फ़ोन से बहुत पुराना डाटा भी यहाँ पर कॉपी हुआ है। चलिए जो भी है आइए कॉल हिस्ट्री को देखते हैं। तो देख सकते हो कि मेरी तीनों कॉल्स जो कि मैंने इस फोन में की थी वो आ चुकी हैं, कब की थी, कितने समय तक की थी, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप सराउंडिंग साउंड्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो और कितने समय तक करनी है यहाँ पर सेट कर सकते हो, तो ये फीचर भी आपको मिल जाएगा। और साथ में एप्लीकेशंस का पूरा लॉग कि कभी इंस्टॉल हुई थी, कभी अपडेट हुई थी, अगर आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। और साथ में बुकमार्क हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, इवेंट्स, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, फेसबुक, जीमेल, कीलॉगर, लोकेशन, म्यूजिक, फोटो, स्काइप, एसएमएस, वाइबर, वीडियोस, वॉइस मेमो, व्हाट्सएप, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों फोनपे की इस ऐप के थ्रू आप अपने बच्चों को ट्रैक कर सकते हो, दिन भर में वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ऐप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई क्वेश्चन है इस ऐप को लेके तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बट दोस्तों उनमें से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपके प्राइवेट डाटा को शेयर करती हैं, उसको यूज़ करती है, तो ऐसी सारी एप्लीकेशन से आप थोड़ा सावधान रहें। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रखा है और आगे भी करता रहूँगा। अगर आप उन रिव्यूज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।